नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर में स्वर्ण व्यवसायी राजीव पुद्दार से बुधवार को 7 लाख रुपए के जेवर लूट का मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। आभूषण व्यवसायी राजीव पुद्दार ने 7 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी से भरा बैग बाइक सवार दो बदमाशों द्वारा छीन लेने की सूचना बिहपुर पुलिस को दी थी, जिस पर बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोनवर्षा से 2 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने जब इस लूट के आरोप की बारीकी से पड़ताल शुरू की तो मामला संदिग्ध लगने लगा। उसके बाद पुलिस ने बाजार में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, पर कहीं से भी घटना की सत्यता सामने नहीं आई और घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों ने भी इस प्रकार के किसी भी तरह के घटना होने से अनभिज्ञता जाहिर की। मामले को लेकर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार भी बिहपुर पहुंचे और व्यवसायी से गहन पूछताछ की। व्यवसायी ने एसडीपीओ के समक्ष कबूला कि मेरा इनसे रुपये का लेन देन का मामला है, जिस कारण मैंने इस प्रकार के लूट की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को बताई थी। मामला है हमारे दुकान पे सर, कल खड़ा धमकी देने आया था, इसी आक्रोश में हमने उस पर कंप्लेन कर दिया कि मेरा माल लूट लिया है। आपके साथ कोई घटना नहीं हुआ था? नहीं, वही दुकान पे जो काले कलम किया इसलिए ऐसा हुआ। क्या आवेदन दिए थे आप थाना? थाना में आवेदन दिए थे कि हमारा लूट लिया। कितना का राशि था जेवरात? 7 लाख का। क्या नाम है? राजीव कुमार। कहाँ दुकान है? बाजार में, बीपुर बाजार। किस नाम से? ज्योति ज्वेलर्स। जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के दहशत में, डर से नहीं, जो हुआ हम बता दिए। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने हिरासत में लिए दोनों लोगों से भी पूछताछ की तो पता चला कि रुपया लेन देन का ही मामला है। उसके बाद एसडीपीओ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वर्ण व्यवसायी द्वारा 7 लाख की जेवर लूट का मामला पूरी तरह से झूठा निकला है। कल शाम को एक रिपोर्ट हुई थी, एक व्यापारी है सोने चांदी का, उनकी दुकान है बाजार में, उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि वो जब घर आ रहे थे तो रास्ते में दो आदमी का नाम भी बताए थे, उनके द्वारा इनका झोला लेके भाग गए हैं और ये कंप्लेन था इनका कि 7 लाख का उसमें सामान था, गहना वहना जो भी था। तो तत्परता से उसका थाना प्रभारी जाँच किए, जाँच करने के बाद में प्रथम दृष्टि आई हम लोग को लग गया था कि बात जो इनका कंप्लेन है उसमें सच्चाई नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इनकी इस बात को हम लोग एडमिट करते हुए और काफ़ी मेहनत के साथ यहाँ जो इनके टीम के जो PSI हैं और ये लोग हैं, मेहनत किए, बाजार में जितने CCTV फुटेज वगैरह है उसको देखा गया, इनसे भी पूछताछ की गई और भी जो इनके जिन पर आरोप लगा था उनके ग्रामीण बहुत सारे लोग आए और बताए कि नहीं इनके बीच में पैसे की लेन देन है, उस एंगल को भी हम लोगों ने जाँच किया। जाँच करने के बाद में फिर इनसे पूछताछ अभी हमारे सामने हो रही है तो ये खुद से स्वीकार किए कि सर हमसे गलती हो गई है और हमारा सामान नहीं गया है, कल आकर के कुछ धमकी वमकी दिए थे दुकान पर, उसी आवेश में आकर के हम केस करने आए थे। व्यवसायी ने अपनी गलती खुद स्वीकार करते हुए कहा है कि मेरे साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई है। बहरहाल 24 घंटे के अंदर बिहपुर पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर राहत की सांस ली होगी।